खाली कप पर कहानी लिखने, इतने संकीर्ण रास्तों से गुजर, पहाड़ों की जटिलता से जूझते हुए आई, क्यों? गाइड ने पूछा। वो गाइड उस बादल की आवारगी को देखते हुए आश्चर्यचकित हो अपने सवालों की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की दूर दिखती सड़क को भीतर दौड़ते महसूस करती और वो इस बात में उलझती कि वो सड़क है या बारिश से उफनी स्पंदित नदी, दोनों एक से ही तो लगते पहाड़ से। गाइड के अपने सवाल थे और लड़की के अपने ही जवाब थे। एकाएक एहसास हुआ कि चाय की भाप कहीं गुम हो गई है। जो चाय वो पी रही थी उसकी भाप कहीं गुम हो गई। सवालों की सांसों ने चाय को ठंडा कर दिया था। मैं और ऊपर नहीं जाऊंगी, मेरे लिए रास्ते हैं मंजिलें नहीं है, ऐसा उस लड़की ने सोचा। आप 13 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई सिर्फ एक प्याला चाय पीने के लिए आई। वो स्तब्ध हुआ, दीवानी है क्या? 13 किलोमीटर की चढ़ाई, वो एक ढाबे पे चाय, अधूरी चाय जो छूट गई थी, ठंडी हो गई थी, जिसकी भाप खत्म हो गई थी, उसको पीने के लिए वो वहां पर आई। वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, मैंने जब बीते वर्ष उसके साथ ये रास्ता तय किया था, तो मैंने पूछा था, क्या तुम ऐसे ही जीवन की आपाधापी से दूर प्रकृति का संगीत सुनने और मेरे साथ चाय पीने इस वीरान नितांत एकांत को जीने के लिए आओगे? यही सवाल तो वो साथ लेकर गई थी जिसका जवाब उसे चाहिए था। उसने उस कप की चाय को ये बोलकर छोड़ दिया था कि भाप के बिना ये अधूरी है। अगले वर्ष न तुम यहाँ आओगी और ना ये चाय गर्म होगी, ऐसा ही कहा था ना उसने। अध्याय को विराम देना जरूरी था, बची चाय को पीना बहुत जरूरी था जो वो छोड़ गया था। बस इतना कह वो चुप हो गई, चाय की भाप की तरह गुम हो गई। उसने ठंडी चाय में अधूरे अध्याय का घूंट भरा और पुनः तेजी से उतरने लगी। आसक्ति और अनासक्ति, पकड़ना और छोड़ना, इन सब के लिए पुनः सफर करना जरूरी था। वो 13 किलोमीटर का सफर और अधूरी चाय को पीना बहुत जरूरी था और उस भाप का पुनः उड़ना बहुत जरूरी था। मैं तो आई थी ना, उसने बोला, चाय भी थी, भाप भी थी, खामोशी भी थी। पता नहीं चला कि दूर पहाड़ों को चीरती सड़क थी या वो एक अनजानी आवारा नदी थी। क्या बात है।